हेलो फ्रेंड्स, वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक डॉग के डाइट चार्ट को कैसे मैनेज किया जाए, उसका डाइट प्लान हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डॉग्स के लिए एक बेसिक डाइट चार्ट है। ये किसी भी ब्रीड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि हमने कुछ स्टेजेस बनाई है, 30 डेज़ टू 45 डेज़ में हमने फर्स्ट स्टेज में उसको रखा है। आप डाइट को 6 to 7 AM स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सिंपल सेरेलेक, जो पपी का सेरेलेक आता है, उसे आप स्टार्ट करें, जिसे 1 चम्मच सेरेलेक और 3 चम्मच बॉइल्ड वाटर मिला करके आप उसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान ये रखिएगा कि सेरेलेक एक विनिंग फूड है। इसका मतलब ये है कि जब छोटा पपी पहली बार अपनी मदर से सेपरेट किया जाता है, तो उसे मदर मिल्क के अलावा जो डाइट दी जाती है उसमें सेरेलेक रहता है, और उसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि एक छोटे पपी को रिक्वायर्ड रहते हैं। इसलिए सेरेलेक देना मस्ट होता है। इसके बाद आप 10 से 11 बजे सेरेलेक या फिर कर्ड दे सकते हैं। दही देना भी बेटर रहता है, क्योंकि दही से इंटेस्टाइन मेंटेन रहती है और उसे आगे चल करके डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम से कम फेस करनी पड़ती हैं। फिर आप दोपहर को 2 से 3 बजे के आसपास एक नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जिसमें बॉयल्ड एंड मैश वेजीज़ का यूज़ ले सकते हैं, जिसमें खासकर पोटैटोस, कैरेट, कैबेज या फिर घिया रह सकता है। आप खीरा ककड़ी को भी डायरेक्ट पपी को दे सकते हैं, वो अच्छे से खा सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी, लगभग आधा छोटा बाउल जो है वो आपको देना होगा। फिर आप शाम को 6 से 7 बजे के आसपास उसे मील में सेरेलेक दे सकते हैं। सेरेलेक का वही रहेगा, 1 चम्मच सेरेलेक और 3 चम्मच बॉइल्ड वाटर। फिर लास्ट मील आप दे सकते हैं 10 से 11 बजे रात को सोने से पहले, और उसमें भी सेरेलेक और कर्ड इंक्लूड रहेगा। 6th मील ऑप्शनल रहेगी पपी की रिक्वायरमेंट के बेस पर, और ध्यान रहे कि उसके साथ साथ में आपको मल्टीविटामिंस, कैल्शियम और लीवर टॉनिक को भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ऐड करना चाहिए। स्टेज 2 में 46 डेज से लेकर के 75 डेज की एज को हम इंक्लूड करते हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पपी अब ग्रोइंग फेज में जा रहा है, उसका वजन भी बढ़ रहा है और उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। इसलिए हम उसके डाइट में पप स्टार्टर फूड को जरूर जरूर ऐड करेंगे। जैसे कि 6 से 7 बजे के टाइम में आप देख सकते हैं पप स्टार्टर फूड, जैसे फोकस का, पेडिग्री प्रो, रॉयल कैनिन या ड्रूल्स का आता है, उसे आप ऐड करें। दही और सेरेलेक को आपको साथ साथ में देना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि कभी भी डाइट को एकदम से चेंज ना करें, उसे ग्रेजुअली चेंज करें। और रूल ये रहेगा कि जब भी आप नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो आपके मेन मील की 25% मील होनी चाहिए, कंप्लीट आपको वो यूज़ नहीं लेनी है। ये आप 25 से 50 ग्राम स्टार्टर फूड दे सकते हैं और आधा कप दही या फिर सेरेलेक दे सकते हैं। इसके अलावा आप 11 से 12 बजे के टाइम में दलिया, खिचड़ी और दही मिक्स करके दे सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा डाइजेशन के बेस पर, और वो भी लगभग आपको आधा मीडियम साइज बाउल यूज़ लेना है। तो ये आपके 6 से 7 और 11 से 12 बजे की जो डाइट है वो मेन रहेगी, जिसमें आपको पप स्टार्टर फूड को ज़रूर ज़रूर ऐड करना है प्रॉपर ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट डाइट आप 4 से 5 बजे दे सकते हैं, जिसमें वही बॉइल्ड एंड मैश्ड वेजीज रहेंगी, और साथ में ही सोयाबीन चंक्स को भी आपको बॉइल करके उसे देना चाहिए। ये अच्छा प्रोटीन का सोर्स रहता है, तो इसे आप अच्छे से मैश करके, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा सा दही डाल करके आप उसे दे सकते हैं। ये लगभग आधा मीडियम साइज बाउल रहेगा। और लास्ट मील जो है वो 9 से 10 बजे के आसपास दे सकते हैं, जिसमें वही सेम पप स्टार्टर फूड रहेगा, और साथ में ही प्रोटीन डाइट के फॉर्म में आप पनीर या फिर एग यूज़ ले सकते हैं। यदि वेजिटेरियन फैमिलीज हैं तो वो पनीर यूज ले सकते हैं, और साथ में सेरेलेक और कर्ड को आप ऐड कर सकते हैं। इसमें भी 5th मील जो है वो ऑप्शनल रहेगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पप, और साथ में मल्टीविटामिन, कैल्शियम और लीवर टॉनिक को आपको ऐड करके रखना है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो 76 डेज से लेकर के 6 मंथ ऑफ एज पर है, जिसे हम स्टेज 3rd कहते हैं। इस पर आपका पप्पी अच्छे से ग्रोइंग फेज में जा चुका है, तो उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हो जाएंगी, और उसको ब्रीड के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग भी थोड़ी डिफरेंस रहेंगे। 6 से 7 की डाइट में आप उसे पपी फीड दे सकते हैं, जिसमें फोकस, पेडिग्री पपी या फिर रॉयल कैनिन या ड्रूज, कोई भी आपकी चॉइस या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग आप यूज़ ले सकते हैं। साथ में आप उसमें दही मिलाइए और एक उबला हुआ अंडा दे सकते हैं। ध्यान रखिए, उबले हुए अंडे का केवल वाइट पोर्शन होना चाहिए, जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। और इसकी अमाउंट आप देख सकते हैं 50 से 60 ग्राम हो सकता है, और आप आधा कप जो है दही या फिर एक पूरा अंडा यूज़ ले सकते हैं।
11 से 12 बजे की डाइट में दलिया या खिचड़ी और साथ में चपाती भी आप ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 चपाती और दही यूज ले सकते हैं। 4 से 5 बजे की डाइट में आप उसे बॉइल्ड एंड मैश्ड वेजीज दे सकते हैं, बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं, यदि नॉन वेज आपके घर पर चलता है तो बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं, बॉइल्ड सोयाबीन चंक्स दे सकते हैं जो कि वेजिटेरियन फैमिलीज हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पप्पी की डाइट को एकदम से चेंज नहीं करना है, ग्रेजुअली उसको चेंज करें और 50 से 60 ग्राम चिकन आप उसकी डाइट में स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। शाम को 9 से 10 बजे की जो डाइट रहेगी लास्ट मील रहेगा उसमें आप पफ फीड दे सकते हैं, फोकस, पेडिग्री प्रो, आरसी या फिर ड्रूज, साथ में ही पनीर या फिर बॉइल्ड एग आप उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि अंडा जो है ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में इस्तेमाल करें, गर्मियों के सीज़न में अंडे की जो क्वान्टिटी है, अमाउंट है एग का, वो कम कर दिया जाएगा। साथ में मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक को आपको ऐड करके रखना है, साथ में ही ग्रेजुअली इंक्रीज करना है अमाउंट ऑफ फीड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, एज एंड रिक्वायरमेंट। और साथ में ही ये एक और बात ध्यान रखें, एग और चिकन आपके वेजिटेरियन फैमिलीज के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सभी डाइट प्लान आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9636279601। इस नंबर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है उसका आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।